दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी जो वाइट फिनाइल है या फ्लोर क्लीनर है या जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप बहुत ही जिनमें थिकनेस ज़्यादा मायने रखती है और उनको कैसे आप चेक करेंगे कि थिकनेस कितनी है, गाढ़ा है, पतला है, या आपने कोई केमिकल बदल दिया जैसे एफलाइन का एमल्सीफायर वगैरह बदल दिया, उसके बाद उसकी थिकनेस पे क्या असर आ रहा है, अगर ये सब चेक करना आपको नहीं आता है या आप इसको जानना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर जी। दोस्तों, मेरे पास बहुत से इस बार जो है मेल में कई मेल ऐसे भी आए जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जो लोग वाइट फिनाइल, फ्लोर क्लीनर इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके सामने भी क्वालिटी टेस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने लिखा कि सर इसको विस्कोसिटी, थिकनेस, गाढ़ा कैसे चेक करेंगे, हम कोई केमिकल बदल देते हैं उसके बाद हम तो बस वैसे ही लोग हाथ से देख लेते हैं कितना गाढ़ा हो रहा है, पतला हो रहा है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। बाजार में जाना है तो आपको एक क्वालिटी टेस्टिंग के साथ ही जाना पड़ेगा, उसका तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप पीछे से जो एमल्सीफायर वगैरह ले रहे हैं आप उसे अच्छे से देख पाओगे कि आपके फाइनल प्रोडक्ट पे उसका क्या असर हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है ये इसीलिए है क्योंकि जो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी विस्कोसिटी की, वो गाढ़े माल की विस्कोसिटी तो बता सकता है वो तरीका, लेकिन पतले माल का नहीं बता सकता है। पतले माल के तरीके अलग होते हैं, उसके काफ़ी टेक्निकल तरीके होते हैं। मुझे भी इसमें काफ़ी सोचना पड़ा कि कोई ऐसा तरीका कौन सा मैं आपको बताऊं जो ज़्यादा टेक्निकल भी ना हो, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी ना आए और हर कोई कर सके आराम से, उसे कोई ज़्यादा ये सोचना ना पड़े कि अरे ये तो बड़ा टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड सा है। और दोस्तों, तरीका आसान भी हो, कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, लेकिन स्टैंडर्डाइज हो। ये नहीं हो कि उसके रिजल्ट जो आए उस पर हम विश्वास ही ना कर सकें या हर कंडीशन में वो अलग रिजल्ट आए तो भी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होता है। टेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जिसका रिजल्ट आप हमेशा कंपेयर कर सकें एक से दूसरे के साथ, उसके साथ कोई फैक्टर ऐसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो रिजल्ट वेरी कर जाए। तो इसको देखने के लिए मेरी समझ में जो आया मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, जितने भी आपके पतले माल हैं जैसे वाइट फिनाइल है, फ्लोर क्लीनर है, कि उसकी विस्कोसिटी आप कैसे नापोगे, कि गाढ़ापन कैसे नापोगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप देख ही रहे हो कि ये ग्लास का एक एपरेटस है, ये दो इसमें बॉल्स ही बनी हुई हैं, इसमें माल भर जाएगा। अच्छा, एक आप ये यहाँ देखें कि एक इसमें एक निशान यहाँ पर लगा हुआ है और एक निशान इस तरह से इसके नीचे लगा हुआ है। ये दो निशान ही हमको काम आने हैं। इसका मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप इससे कैसे, इसकी मदद से आप ये देख सकते हो कि जो भी माल आप बना रहे हो वो कितना गाढ़ा, कितना पतला है। और कभी भी देख लो, चाहे सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी, आप रिजल्ट बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो उसके साथ। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपके कैसे काम आएगा, किस काम का है। इसके परचेज का लिंक भी मैं अमेज़न का डाल दिया है, वहां से आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसको एक टांगने के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ये है, या फिर हाथ से ही ले लेना। मैं अभी आपको हाथ से करके दिखाऊंगा ताकि ये ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ आप ये ले लीजिएगा और इससे आपका काम हो जाएगा और हमेशा तक के लिए काम आएगा। आप चाहे वाइट फिनाइल बनाओ, ब्लैक फिनाइल बनाओ, फ्लोर क्लीनर बनाओ या और भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो ये सबको काम करेगा। दोस्तों, और सारी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे दोस्तों, ये है एक मीटर, जैसे मैंने आपको दिखाया ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। पहले इसके बारे में जान लीजिए क्या है। इसके अंदर ये दो स्पेस हैं, इस एक के अंदर लिक्विड भर जाएगा और दूसरे का हमारा टेस्टिंग में इस्तेमाल होगा, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो पोर्शन है इसके अंदर एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ से लिक्विड गिरेगा और वो यहाँ तक आता जाएगा और हम फिर उसका टाइम नोट करेंगे। इसके लिए हमें एक ये रबड़ की ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका क्या करना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक हमें ज़रूरत पड़ेगा टाइमर का। टाइमर सबके पास फ़ोन है तो सब फ़ोन में से अपना टाइमर ऑन कर लेंगे। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले ये जो ट्यूब है इसको इस वाले हिस्से की तरफ ऐसे लगा लेंगे। आपको इस तरह की ना मिल पाए, थोड़ी मोटी मिले, तो चाहे इसके आप ऊपर से भी चढ़ा लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मतलब तो काम होने से है।
अब मेरे मैं आपको ये दो सैंपल मेरे पास हैं, एक ये फिनाइल है मैंने बहुत डाइल्यूट कर ली है, और एक ये भी वाइट ये ब्लैक फिनाइल का एक सैंपल है उसको डाइल्यूट कर लिया है। इन दोनों की मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा, और इसी तरह से आप अपने माल की पूरी टेस्टिंग फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जिस भी सैंपल की हमें थिकनेस विस्कोसिटी या गाढ़ापन चेक करना है उसका हम माल इसमें इस लंबी वाली ट्यूब के अंदर डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये थोड़ा सा, अब जैसे दोस्तों ये इसके अंदर मैंने भर लिया। अब हमें करना क्या है, जो ये ट्यूब हमने लगाई है इसको हम मुंह से खींचते हुए इस लिक्विड को यहां से यहां पर खींचेंगे। किस तरह से, ऐसे। बिल्कुल आराम से खींचना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मुंह में इसको फिर ये आपके मुंह में चला जाए। और यहां आप इस तरफ ये यहां से आप बंद कर लेंगे तो ये अभी गिरेगा नहीं इसके अंदर से। आप चाहे तो आप इस ट्यूब को निकाल भी सकते हो उसके, आप चाहे तो इसको, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, आप इसके लिए कि स्टैंड ले लीजिएगा, उसका भी अमेज़ॉन का लिंक डाल दिया है, ये पाइप का भी है, तो आप जो भी चाहे आपको वो आप ले सकते हो। अब क्या करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर निशान दिखाया था, एक इसमें यहाँ निशान है एक यहाँ निशान है दोस्तों, इसमें एक निशान तो है यहाँ ऊपर और इसी तरह का एक निशान है यहाँ पर नीचे, लाइन बनी हुई है छोटी सी। तो पहले हम इस माल इस जो हमने सैंपल डाला है इसको हम यहाँ तक लाएंगे, जैसे ही उस लाइन पर आएगा हम अपना टाइमर ऑन कर देंगे, और जब ये इस लाइन से नीचे चला जाएगा तब हम अपना टाइमर ऑफ कर देंगे। ये टाइम हमें नोट करना है। तो अब मैं ये अंगूठा इधर से हटा रहा हूँ और ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा। ये अब इस लाइन तक आ गया, ये आपको लाइन दिख रही होगी इसमें ऊपर, ऐसे ही एक इसमें नीचे लाइन है। अब हम इसमें अपना टाइमर ऑन कर देते हैं और ये मैंने अंगूठा हटा दिया। अब ये इसमें से गिर रहा है धीरे धीरे, और हमने टाइमर ऑफ कर दिया। ये इस लाइन, ये देखिए अब आपको साफ दिख रही होंगी लाइन, एक ये ऊपर है एक ये नीचे है, हम इन दोनों के बीच का टाइम नोट करना है। तो यहां पर हमारा और ये माल यहां से आकर यहां वापस आ गया, हमें ये टाइम नोट करना है। तो अब जैसे इसमें मेरा टाइमर में टाइम आया है ये 23 सेकेंड, इसी तरह से हम दूसरे सैंपल का चेक कर लेंगे, उसका भी मैं आपको चेक करके बताता हूं। अब ये देखिए मैंने खाली कर दिया इसको, इसको आप धोकर सुखा लीजिएगा बिल्कुल, ताकि इसके अंदर कोई भी पहले लगा हुआ मटेरियल ना रहे। और दोस्तों स्किप मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे रिजल्ट वेरी कर जाएगा आपको। रिजल्ट आप एक बार टेस्टिंग में टाइम लगाओगे तो आपको हमेशा के लिए आपका माल क्वालिटी वाला बन जाएगा। तो अब इसमें जब इसको सुखा लेंगे फिर इसके इस बाद दूसरा सैंपल, अब मैं इसमें आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और फिर पता लगेगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। आपकी बार दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक ये तो है ऊपर वाली लाइन और ये है नीचे वाली लाइन। ये देखिए ये जो आपको दिख रही होगी एक लाइन ऊपर है और इसी तरह से एक लाइन ये नीचे है। यही दोनों लाइन सबसे ज़रूरी है, इसी का टाइम नोट करना है। 2-4 सेकंड भी इधर उधर हो गई तो फिर आपका रिजल्ट वेरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से वही ट्यूब लगाएंगे इसमें और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे बहुत आराम से।
मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल आराम से खींचना है, नहीं तो मुंह में चला जाएगा ये अगर जरा सा भी जोर लगा दिया। अब हम इसको फिर से पहले इस लाइन तक आने का इंतजार करेंगे। ये दोस्तों अब मैं अंगूठा हटा रहा हूँ और इसको देख, ये आराम से अब ये दोस्तों लाइन पर आ गया। अब हम अपना टाइमर चालू कर देंगे और मैं तुरंत ही अंगूठा हटा लूँगा। ये मैंने टाइमर चालू कर दिया और हटा लिया हाथ। अब ये देखो दोस्तों आराम से नीचे जा रहा है, ये यहाँ पर आप ध्यान करिए, ये नीचे जा रहा है, लाइन हमारी यहाँ पर है, ये आराम से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब ये आ गया यहाँ लाइन से नीचे और अब हमने ये टाइमर स्टॉप कर दिया। तो देखिए इसमें जो है ये 33 सेकंड आया है, आप 1 सेकंड हमारे दबाने से भी इधर उधर कर सकते हैं, तो 30 सेकंड ये लगभग तो है ही। आप दो लोगों की मदद से करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नोट हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले वाला जो सैंपल था वो लगभग 24 सेकंड के था और ये वाला जो है ये 33 सेकंड है। तो अब आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सा वाला गाढ़ा माल है, जो गाढ़ा होगा उसी का टाइम ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप मान लो बाजार से आपको कोई सैंपल मिला है कि आपका जो दुकानदार है या ग्राहक है वो कह रहा है जी ये वाला माल गाढ़ा है, तो अब इतने पतले माल का गाढ़ापन देखोगे कैसे? सिर्फ हाथ से ऐसे छूने से तो कुछ नहीं पता लगेगा, सब एक से ही लगते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल पता लग गया कि भाई 24 सेकंड में वो गिरा है, 33 सेकंड में ये गिरा है, 30 में गिरा है, तो इसमें और इसकी विस्कोसिटी में कितना फर्क है। अब आप कोई माल बढ़ाओगे घटाओगे तो इस तरह से चेक करके आपको बिल्कुल सही आप वहां तक सेट कर सकते हो क्वालिटी। दूसरा क्या है कि अब इसी इंस्ट्रूमेंट की आप विस्कोसिटी बिल्कुल एक टर्म में भी नाप सकते हो, जैसे आपने किसी टेक्निकल डेटा शीट में पढ़ा होगा 1000 2000 इस तरह से लिखा रहता है, उसका फॉर्मूला मैं अभी डाल भी दूंगा इस पे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उस फॉर्मूले के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो इस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ कंपेयर कर लो, अपने सैंपल्स कंपेयर कर लो, कोई माल आपने चेंज करा वो आप कंपेयर कर लो, या किसी कंपटीशन का प्रोडक्ट है उसे आप जो है चेक कर लो। अब जैसे आप कहते हो कि जी हमने इसमें 10 किलो पानी मिलाए, 20 मिलाए या 50 मिलाए, आप जितना भी मिलाओ बराबर पानी मिलाओ दोनों सैंपल्स में, उसके बाद उसे इससे टेस्ट कर लो, तो आपको थिकनेस बिल्कुल पता लग जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगेगी। कोई उसमें आपको इफ एंड बट नहीं होगा कि भाई अब ये पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। आप इसमें अगर एक बार 30 सेकंड का माल सेट कर लोगे उस फॉर्मूले से हमेशा 30 सेकंड ही आएगा, आप चाहे चेक करके देख लेना। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी वाइट फिनाइल की, फ्लोर क्लीनर्स की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। ब्रांड बनाना है तो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बाजार में सेल बढ़ानी है और आपको जो आपका जो ग्राहक बार बार आपका ही माल मांगे तो उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए थोड़ा समय भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई सारी टेस्टिंग मेरी तो ऐसी है जिसमें कोई पैसे बहुत कम खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी भी है कि भाई जिसमें 200 400 500 रुपये हमें खर्च भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन उससे है कि हमारी क्वालिटी ऐसी सेट हो जाएगी कि वो जो खर्चा इसमें किया है वो तो आप 1 दिन 2 दिन की सेल में ही निकाल लोगे। तो मेरी राय तो यही है कि आप इस तरह से अपना माल टेस्ट करें, बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी की तरह अप्रोच रखें, तो आपका भी काम बहुत बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों ये था आज विस्कोमीटर की मदद से कैसे हम नापेंगे कि हमारी माल की विस्कोसिटी कितनी है और हम उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है वो कृपया बेल आइकन भी दबा दीजिए।